2019 में वापसी के लिए मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। क्या 2019 में मोदी की जीत का रास्ता साफ हो गया है? लोकसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही मोदी सरकार भी किसानों की नाराजगी दूर करने में जुट गई है। केंद्र सरकार ने धान, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग और रागी सहित खरीफ की सभी 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में अच्छा खासा इजाफा करके देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से जहां किसानों को फायदा होगा, वहीं BJP के लिए भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में किसान मतदाताओं को लुभाना आसान होगा। खासकर BJP मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने इस फैसले को तुरूप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल मोदी सरकार ने खरीफ की फसलों पर जो MSP बढ़ाई है, उसके तहत धान किसानों के MSP पर 200 रुपए का इजाफा किया गया है। इससे पहले धान की MSP में एक साल में रिकॉर्ड बढ़त 155 रुपए प्रति क्विंटल की हुई थी, जो एक दशक पहले 2008-09 में UPA सरकार ने की थी। यानी मोदी सरकार की ओर से की जाने वाली ये बढ़ोतरी अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि मनमोहन सरकार ने भी UPA 1 के अपने पहले कार्यकाल के आखिरी साल में ही MSP में बढ़ोतरी की थी और अगले साल चुनाव में जमकर वोट बटोरे थे। यानी मोदी सरकार ने भी कम से कम टाइम के हिसाब से वही फॉर्मूला अपनाया है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया था। अपने इस फैसले से पहले मोदी सरकार गन्ना किसानों को राहत देने के लिए करीब 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव और इसी साल 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार के इस फैसले से वोटों की फसल लहलहाती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।